व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे सर्वाइवल सीरीज में। गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइनक्राफ्ट 1.19 में एक नई सर्वाइवल सीरीज, और इस सीरीज में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा ओपी चीजें। पहले एपिसोड में हम आयरन फार्म बिल्ड करने वाले हैं और उसके बाद एन्चेंटमेंट टेबल का पूरा एक सेटअप बिल्ड करने वाले हैं। अभी सब चीज यहीं पे जानोगे क्या, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्रिएट करते हैं अपना वर्ल्ड। वर्ल्ड का नाम रखा है मैंने जालिम दुनिया। डिफिकल्टी होने वाली है हमारी हार्ड पे, और ये हार्डकोर वर्ल्ड नहीं है। तो बस गाइस हम लोग स्पॉन हो गए हैं, और ऑब्वियसली हमें स्पॉन थोड़ी ना अच्छा मिलने वाला है। ओशन है और एक छोटे से जंगल आइलैंड पे हमें स्पॉन किया है। तो हम लोग ओशन का फायदा उठाते हैं और ओशन को एक्सप्लोर करते हैं। क्या पता हमें शिपरेक वगैरह या फिर कोई नया स्ट्रक्चर मिल जाए। गाइस आपको क्या लगा था मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे पहली बार में ट्रेजर मिल जाएगा? Obviously, नहीं। तो हम लोग आइलैंड पे वापस आ जाते हैं और बैम्बू और वुड वगैरह लेके यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा और एरिया एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा सा ही आगे आने के बाद मुझे जो है यहाँ पे तीन शीप मिल गई, तो इन तीनों शीप को सुला देते हैं ताकि रात में हम सो सके। तो अभी मैंने बेड का जुगाड़ तो कर लिया है, अभी थोड़ा एरिया और एक्सप्लोर करता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा शुगर केन मिल गया। थोड़ा क्या है, बहुत ही ज्यादा शुगर केन है। इतना शुगर केन मैंने कभी नहीं देखा। एन्चेंटमेंट वाले गोल्ड में बहुत ज्यादा काम आएगा ये। बहुत सारी काउस थी, मैंने उन्हें भी सुला दिया है। अभी मेरा हंगर बार बहुत ज्यादा कम हो गया, तो अभी मैं थोड़ा स्टोन माइन करके फर्निस बना लेता हूँ और कुछ खाना वगैरह पका लेता हूँ, और साथ में स्टोन टूल प्लस बेड पे अपग्रेड कर लेता हूँ। तो अभी मैंने अपग्रेड कर लिया, अभी हम लोग अपना एक्सप्लोरेशन फिर से कंटिन्यू रखते हैं। गाइस एक रिवीन हमें मिल गई है, बहुत ही ज्यादा ओपी है ये। वाह क्या रिवीन है। खाली दो आयरन लगे हुए हैं इसमें बस, खैर वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो चल के ले लेता हूं मैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और कॉपर और कोल वगैरह लगा था, मैंने वो सारी चीजें भी ले ली है। कोई भी रिसोर्स मैं फिलहाल छोड़ नहीं रहा हूँ। रिवीन से निकलने के बाद थोड़ा मैं ओशन में देख रहा था, और फाइनली मुझे एक शिपरेक मिल गया है। हालांकि रात हो गई है तो मैं यहीं पे बेड लगा के सो जाता हूँ, और सुबह उठ के तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है। अभी देखते हैं इस शिपरेक में क्या क्या रखा हुआ है। तो चेस्ट तो काफी ज्यादा सही है, हमें पोटैटो वीट और कैरेट वगैरह मिली है। तो यस, दूसरे चेस्ट में हमें जो है ट्रेजर मैप मिल गया है, तो अभी इस ट्रेजर को ढूंढने चलते हैं। ओके, सामने एक विलेज है, विलेज अभी हम लोग बाद में एक्सप्लोर करते हैं, ट्रेजर यहीं कहीं पे है तो पहले उसको देख लेते हैं। 99 मैंने अलाइन कर लिया, और एग्जैक्टली इसी ब्लॉक के नीचे हमारा ट्रेजर होना चाहिए। यस, तो चेस्ट इसी के नीचे है, और फिलहाल मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। बहुत ही ज्यादा ओपी चेस्ट है ये, 13 आयरन मुझे मिले हैं और 2 डायमंड मिला है, भाई साहब बेस्ट। ओके मैं मर रहा हूं, अभी बाहर निकलता हूं मैं जल्दी से और कुछ खा लेता हूं, और अभी चलते हैं हम लोग विलेज एक्सप्लोर करने। और यहाँ पे बहुत सारा हेबल रखा हुआ है, तो हेबल तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा थोड़ा सा भी, और आयरन गोलेम को भी मैंने सुला दिया है। गाइस मैं सभी लोगों को सुला ही दे रहा हूँ आज। तो अभी हम लोग 1.19 की जो है चेस्ट कोड बनाते हैं और ओशन फिर से एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ओशन में बहुत सारे स्ट्रक्चर वगैरह भी आए हैं, तो वो भी चल के हम लोग देखते हैं। बहुत ही गंदा चेस्ट है, हालांकि और भी। ओ भाई, एक यहाँ पे ट्राइडेंट वाला ज़ॉम्बी, और बिल्कुल भी मैं उससे लड़ने की हालत में नहीं हूँ, तो मैं भाग रहा हूँ अपनी दुम दबा के यहाँ से। एक सेकेंड भाई, यहाँ पे भी एक शिपरेक है। ओ भाई कितना सारा आयरन और कितना सारा लैपिस है भाई, सभी चीज़ ले लेता हूँ मैं, और फिर से वापस चलते हैं और ट्रेजर वाला चेस्ट देखते हैं। ओके चेस्ट मिल गया है, ट्रेजर मैप भी मिल गया है, वेरी नाइस। और गाइस मैं काफी देर तक ये ट्रेजर ढूंढ रहा था, लेकिन एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चेस्ट कहाँ है, तो मैं इसे अभी छोड़ रहा हूँ। और यहाँ सामने ही मुझे एक अच्छा सा प्लेन्स बायोम दिख रहा है, तो वो चल के हम लोग देखते हैं। तो गाइस ये जगह काफी ज्यादा सही लग रही है, पूरा खाली खाली दिख रहा है। अभी हम लोग थोड़ा सा अपना आयरन आर्मर वगैरह यहाँ पे बना लेते हैं,
तो गाइस मैं पूरा स्टैक्ड हो गया हूँ और ये गोल्डन चेस्ट प्लेट जो है मैंने एक रूइन पोर्टल से उठाई है जिसका फ्लैशबैक देख लो। अभी हम लोग वाटर बकेट बनाते हैं और ये एरिया से थोड़ी ग्रास वगैरह हटाते हैं, तब हमें अच्छा आइडिया लगेगा कि हम लोग जो है यहाँ पे अपना स्टार्टर बेस बना सकते हैं या फिर नहीं। हम लोग बनाने नहीं वाले हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे एक छोटा सा कैंप हम लोग सेटअप कर लेते हैं। तो मैंने अपना कैंप सेटअप कर लिया और मैं सो जाता हूँ अभी, और सुबह हो गई है। अभी हम लोग पहला काम ये करते हैं कि हमारे पास जितना भी शुगर केन है उसको हम लोग प्लांट कर देते हैं। और यहाँ पे लावा पूल है, लावा पूल से मैंने एक बकेट लावा लेके अपनी ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया क्योंकि मैं कोल अपना खर्च नहीं करना चाह रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही सारे जानवर हैं और हम इनकी जिंदगी बर्बाद कर नहीं, मेरा मतलब था कि हम इन्हें पाल लेंगे, बर्बाद नहीं करना है, पाल लेंगे। तो मैंने अपनी काउज वगैरह को ब्रीड कर लिया और मेरा कॉपर हो गया था जो है स्मेल्ट, और कॉपर को मैंने कॉपर ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया और सारे ब्लॉक्स को मैंने वैक्स होने के लिए लगा दिया क्योंकि मैं इन्हें अपने स्टार्टर हाउस में यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस ये थोड़े से ब्लॉक प्लेस करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना कॉपर मुझे अपने स्टार्टर बेस के लिए चाहिए उतना मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो हम लोग और माइनिंग करने चलते हैं। माइनिंग सेशन हो गया है कंप्लीट और ये सारी चीजें रख देते हैं स्मेल्ट होने के लिए और बाकी चीजें रख देते हैं चेस्ट में। अभी आते हैं हम लोग अपने मेन गोल पे। तो गाइस अभी मेरे छोटे मोटे टास्क कर लिए हैं कंप्लीट, अब हम लोग चालू करते हैं अपना आयरन फार्म बनाना। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, ये डिजाइन जो है EN104 का है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे रखा है, अगर आपको ये फार्म बनाना है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। ये फार्म बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें खाली आपको टीम विलेजर एक ज़ॉम्बी चाहिए होते हैं, तो 300 से 400 आयरन देता है जो कि हमारे स्टार्टिंग के हिसाब से काफी है। मैंने सारे मटेरियल को इकट्ठा कर लिया, अभी हम लोग ये फार्म बनाना चालू करते हैं। बिल्डिंग वाला पार्ट सारा कंप्लीट हो गया है, अभी हमें खाली इसमें विलेजर्स भरने हैं और इनको नहीं पता है कि इनके साथ क्या होने वाला है, इनकी जिंदगी तो डेफिनेटली बर्बाद कर देंगे हम लोग। तो अभी ये विलेजर्स को ले चलते हैं और अपने फार्म में डालते हैं। तो ये गया हमारा पहला विलेजर और ये गया दूसरा विलेजर जो कि नेटविट है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हमारा तीसरा विलेजर है जो कि जा नहीं रहा है, और इसको हम लोग दो मुंह का मारते हैं और अंदर भर देते हैं। तो फाइनली रात हो गई है और एक ज़ॉम्बी आ रहा था, पता नहीं कैसे ये रास्ते पे चलते चलते ड्राउन में कन्वर्ट हो गया। अभी एक और ज़ॉम्बी आ गया, इसके हाथ में हम लोग एक ब्लॉक दे देते हैं ताकि ये डिस्पॉन ना हो, और ये फाइनली इसने उठा लिया है और अभी हम लोग ले चलते हैं इसको अपने फार्म में डाल देते हैं। तो ट्रैप डोर मैंने लगा रखे हैं, सुबह आके चेक करते हैं कि सब चीज़ें सही है कि नहीं। तो यस हमारा ज़ॉम्बी जो है बोट के अंदर बैठा हुआ है, तीन विलेजर बेड पे तड़प रहे हैं और ये फार्म हो गया है रेडी। तो अभी आयरन गोलेम को आ जाना चाहिए। यस 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 यस, तो आयरन फार्म काम कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है ये, क्योंकि अभी पहला बिल्ड है हमारा जो पहली बार में काम कर रहा है। तो अभी हमें आयरन की कोई भी कमी नहीं होने वाली है एपिसोड के लिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है फेंस वगैरह लगा देता हूँ ये एरिया, ताकि सेफ बना रहे, कोई भी क्रीपर वगैरह आके इसे दगा ना पाए। तो गाइस अभी हमारा आयरन फार्म हो गया है कंप्लीट, अभी हम लोग चालू करते हैं अपना सेकंड टास्क जो कि है एन्चेंटमेंट टेबल। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है कुछ विलेजर्स को अपना गुलाम, गाइस मेरा मतलब था इन विलेजर्स को थोड़ा काम देते हैं। अभी मैं छोटा सा एक ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला हूँ तीन विलेजर्स का, जिसमें हम लोग दो टूल्समिथ एक फ्लेचर रखने वाले हैं।
तो अभी मैंने जैसे एक सेल ये बनाई है, ऐसी मैं दो सेल और बनाऊंगा, तो उसके बाद देखो विलेजर्स खुद ही आके इस ट्रैप में गिरेंगे। तो देखो गाइस अभी विलेजर खुद ही आके जो है इस ट्रैप में गिरेंगे, तो और देखा। फिलहाल मेरे पास दो विलेजर है, दोनों टूल्स में थे, तो मैं एक को जो है फ्लेचर में कन्वर्ट कर देता हूँ जिससे मैं स्ट्रिक्ट ट्रेड कर सकूँ। तो ये सारा सेटअप हो गया है कंप्लीट, अभी हम लोग चलते हैं। खाली मैं सारी वुड अभी तक मैंने जितने भी ऑफ कैमरा फार्म किए हैं वो ले लेता हूँ मैं, एक एमरल्ड है मेरे पास वो भी ले लेता हूँ मैं, ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। और एक स्टैक आयरन भी हम लोग ले लेते हैं टूल्स में से ट्रेड करने के लिए, उसको भी हमें 5 लेवल तक ले जाना होगा पिकैक्स ट्रेड करने के लिए। गाइज यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा ग्राइंड किया है, यहाँ पे देखो तीसरा विलेजर भी आ गया है जो कि टूल्स में बन गया है, हम इसको भी लेवल अप करेंगे धीरे धीरे। फिलहाल मैं आयरन गोलेम को जो है थोड़ा ठीक कर देता हूँ ताकि ये इन लोग को प्रोटेक्ट करता रहे। तो अभी ये डायमंड शवल दे रहा है, तो अभी मैंने इसे जो है एक स्टैक आयरन इसको बेच दिया है और इसने जो है हमें पिकैक्स वाला ट्रेड दे दिया है। तो फाइनली गाइज हम लोगों ने अपनी पहली डायमंड पिकैक्स बिना माइनिंग के खरीद ली है। तो गाइज अभी हम लोग अपनी नई नई पिकैक्स से चलते हैं अपने पोर्टल के पास और ऑब्सिडियन माइन करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग 2 डायमंड ले लेते हैं और अपनी एन्चेंटमेंट टेबल क्राफ्ट करते हैं। तो गाइज हमारा सेकेंड गोल भी कुछ हद तक कम्प्लीट हो गया है, अभी हमें 15 बुकशेल्फ की जरूरत है, उसके लिए हम लोग चलते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, एक्स लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा दर्द के बाद यहाँ पे जो है एक्स वाला ट्रेड भी आ गया है, मैंने डायमंड एक्स भी खरीद ली है और मैं काउस को ब्रीड कर रहा था, इन्हें भी मैं अभी सुला दूंगा। अभी मैंने बुक बना ली है, अभी हम लोग बुकशेल बना लेते हैं और ये हमारे हो गए, कुछ और बुकशेल बना लेते हैं, थोड़ी सी कमी हो रही थी हमें, और ये हमारे 15 बुकशेल हो गए हैं कम्प्लीट। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में और सारे गोल हम लोगों ने कर लिए हैं कंप्लीट। तो गाइज ये पहला एपिसोड था हमारी इस सर्वाइवल सीरीज का, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।